हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। सो लेट्स बिगिन। ऑन 1 अक्टूबर 2020, दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, पैलाडिन विच इज अ पेरेंट कंपनी सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग इन सेरासीन। मेजॉरिटी मीन्स परसेंटेज यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज मेंशन है कि उसने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, वो शेयर्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसने 8 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज गिवन नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड गिवन है कि पैलाडिन ने सेरासीन के 8 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए। कैसे एक्वायर किए हैं, टर्म्स क्या हैं? इमीडिएट पेमेंट ऑफ $4 पर शेयर ऑन एक्विजिशन डेट। ये कैश कंसिडरेशन हमारे पास मौजूद है, दिस इज कैश कंसिड्रेशन, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। 8 मिलियन शेयर्स हमारे पास मौजूद हैं और उस 8 मिलियन शेयर्स की वर्थ क्या होगी? सो कैश कंसिड्रेशन इज 8 मिलियन शेयर्स हमने एक्वायर किए हैं और $4 हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 32 मिलियन की हमारी कैश पेमेंट यहाँ पर आ रही है। फर्दर अमाउंट डेफर्ड अंटिल 1 अक्टूबर 2021। अब ये कंडीशन क्या है, ये डेफर्ड कंसिड्रेशन है, साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो इसका मतलब है ये डेफर्ड कंसिड्रेशन है, कॉन्टिजेंट नहीं है। 1 अक्टूबर 2021 एक्विजिशन हो रही है, 1 अक्टूबर 2021, तो 2010 और 2010 के बाद आएगा 2021, यानी कि 1 ईयर्स टाइम में। तो हमें जो फैक्टर चाहिए होगा वो 1 ईयर्स टाइम का फैक्टर चाहिए होगा, और वो फैक्टर के लिए हमें रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दी हुई है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने 8% दी हुई है। इमीडिएट पेमेंट हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यानी कि इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट की एंट्री पास हो चुकी है, बट द डेफर्ड पेमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, और उसे हमें प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। तो अब 8% का जो फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट फैक्टर 8% के ऊपर, तो हमारे लिए क्या होगा, 1 + 0.08 n^1। इसके जरिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, सो 1 / 1.08 0.9259, 0.9259 मीन्स हम इसे 0.926 भी कर सकते हैं। आप पीवी कैसे कैलकुलेट होगी डेफर्ड कंसिडरेशन की, तो जो हमें पेमेंट करनी है, पहले हम वो देख लेते हैं। पेमेंट करनी है 5.4 मिलियन, तो 5.4 मिलियन की पेमेंट हमें करनी है और फैक्टर दिया हुआ है 926, तो प्रेजेंट वैल्यू 5.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.926, इट्स 5 मिलियन, इट्स 5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारी डेफर्ड कंसिडरेशन आ गई। तो कैश कंसिडरेशन हमारे पास 32 मिलियन मौजूद है और डेफर्ड कंसिडरेशन हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 5 मिलियन मौजूद है। फ्यूचर वैल्यू टर्म्स में वो 5.4 मिलियन पे कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में हम उसे 5 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर सिर्फ डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड करनी है तो इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन से और क्रेडिट हो जाएगी लाइबिलिटी विच इज डेफर्ड कंसिडरेशन। तो किसी भी एग्जाम क्वेश्चन में, गिवन एग्जाम क्वेश्चन में मल्टीपल कंसिड्रेशन एक साथ अगर दी जाएगी तो उसकी एक एग्जाम्पल है जिसमें कैश कंसिड्रेशन है और पार्शल डेफर्ड कंसिड्रेशन। अनदर एग्जाम्पल, ऑन 1 अप्रैल 2021 पायरामाइड एक्वायर्ड 80% इक्विटी शेयर्स बाय मीन्स ऑफ एन इमीडिएट शेयर एक्सचेंज एंड अ कैश पेमेंट ऑफ 88 सेंट्स पर एक्वायर्ड शेयर्स डेफर्ड अंटिल 1 अप्रैल 2022। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल, पायरामाइड इज अ पेरेंट कंपनी, 80% शेयर्स उसने एक्वायर किए हैं स्क्वायर के, स्क्वायर सब्सिडरी हो गई। कंसिडरेशन कंप्राइजेज ऑफ शेयर एक्सचेंज प्लस कैश पेमेंट, लेकिन वो कैश पेमेंट डेफर्ड है अंटिल 1 अप्रैल 2022। तो 2021 एक्विजिशन डेट है और 2022 में डेफर्ड है, 1 साल का, 1 ईयर का डेफरल पीरियड यहाँ पर कवर हो रहा है। पायरामाइड हैज रिकॉर्डेड द शेयर एक्सचेंज बट नॉट द कैश कंसिडरेशन एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% पर एनम। हम उसका
शेयर एक्सचेंज भी कैलकुलेट करेंगे और उसकी डेफर्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों एंटिटीज के दिए हुए हैं 31 मार्च 2022, 1 साल के बाद, और ये पेरेंट कंपनी का एक्सट्रैक्ट है और ये सब्सिडरी कंपनी का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। 80% शेयर्स एक्वायर किए हैं, तो हमें ये नहीं पता कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर के कितने हैं, वो हमें उसकी बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। 10,000 इक्विटी शेयर्स की वैल्यू दी हुई है, पार वैल्यू 1 है, तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स ना दिए हुए हो तो बैलेंस शीट में जाकर सब्सिडरी की हम नंबर ऑफ शेयर्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड हमने कैलकुलेट किए, 80% शेयर्स एक्वायर किए हुए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80% इज इक्वल टू 8,000। शेयर एक्सचेंज चूंकि रिकॉर्ड हुआ हुआ है तो उसकी यहाँ पर टर्म्स भी नहीं दी हुई कि वो किस तरीके से रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो हमने इसको इग्नोर किया और हमने अब आगे रिकॉर्ड करनी है डेफर्ड पेमेंट को, क्योंकि कैश कंसिड्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसने रिकॉर्ड की हुई है 24,000 की। अब ये कैसे आई होगी, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड निकाले होंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाले होंगे, फिर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाली होगी, तो वो वैल्यू हमारे पास गिवन है। हम डेफर्ड कंसिडरेशन की वैल्यू इसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेफर्ड कंसिडरेशन में जो कैश पेमेंट हमें करनी है वो कितनी करनी है, 88 सेंट्स। 88 सेंट्स का मतलब होता है 0.88 पर एक्वायर्ड शेयर्स। तो दोबारा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 88 मल्टीप्लाई बाय एक्वायर्ड शेयर्स, और एक्वायर्ड शेयर्स कितने हैं, 8,000। ये डेटा थाउजेंड्स में दिया हुआ है, तो ये जो वर्किंग हो रही है वो थाउजेंड्स के अंदर वर्किंग हो रही है, हमारी वर्किंग थाउजेंड्स के अंदर हो रही है। तो हमने 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.88 7,040 का कैश पेमेंट करनी है फ्यूचर में 1 साल के बाद। रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर 10% के ऊपर आता है 1 साल का, 0.909, और हमारे पास पीवी आ जाएगी $7,040, जो कि 1 साल के बाद पे करनी है। 909 से मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6,399, तो हम इसे कर देते हैं 6,400। ये थाउजेंड्स के अंदर वैल्यू आ रही है, और इसके ऊपर हमारी एंट्री पास हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट कर देंगे 6,400 से और डेफर्ट को क्रेडिट कर। अब हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगी उसमें शेयर एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट और ये वाली इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अनदर क्वेश्चन इज, ऑन 1 अक्टूबर 2022 पैराडाइम एक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ स्ट्रेटास बाय मीन्स ऑफ अ शेयर एक्सचेंज। तो पहली जो कंसिडरेशन है वो है शेयर एक्सचेंज की। शेयर एक्सचेंज की टर्म्स क्या है, ऑफ 2 न्यू शेयर्स इन पैराडाइम फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड शेयर्स इन स्ट्राटा, यानी कि स्ट्राटा के 5 शेयर्स के अगेंस्ट पैराडाइम अपने 2 शेयर्स देगा, तो टर्म बनी 2 फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड। साथ साथ पैराडाइम इशू टू द शेयर होल्डर ऑफ स्ट्राटा $100, जिसका इंटरेस्ट रेट होगा 10% फॉर एवरी 1,000 शेयर्स एक्वायर्ड। इसके टर्म्स क्या है, $100 का लोन नोट इशू होगा फॉर एवरी 1,000 शेयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंसिडरेशन है, एक शेयर एक्सचेंज है और एक लोन नोट का एक्सचेंज हो रहा है। पैराडाइम ने कोई भी कंसिडरेशन अब तक रिकॉर्ड नहीं की, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पैराडाइम की वैल्यू दी हुई है $2 each, और पार वैल्यू पैराडाइम के लिए 1 दी हुई है। नंबर ऑफ शेयर्स पैराडाइम के 40,000 ऑलरेडी है, स्ट्राटा के 20,000 इन थाउजेंड्स दिए हुए। ये हमें नंबर ऑफ शेयर्स हो सकता है जरूरत पड़े सब्सिडरी के, विच इज 20,000। अब हम पहले शेयर एक्सचेंज की वर्किंग करेंगे, और शेयर एक्सचेंज की वर्किंग के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड या एक्वायर्ड कैलकुलेट करने। ऊपर क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है 75% शेयर्स एक्वायर किए हैं,
लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जब तक पता नहीं होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड नहीं आ सकते। तो सब्सिडरी के टोटल शेयर्स हैं 20,000 इन थाउजेंड्स, रिमेम्बर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो 15,000 शेयर्स हमने एक्वायर किए सब्सिडरी के। कैलकुलेशन थाउजेंड्स में हो रही है। अब सेकेंड चीज हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय पेरेंट कंपनी, उसके लिए हमें टर्म्स चाहिए होती हैं। टर्म्स दी हुई हैं 245, तो 15,000 शेयर्स हमने लिए डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि इशू होंगे, तो 6,000 शेयर्स पेरेंट कंपनी नए इशू करेगी सब्सिडरी कंपनी को, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय पेरेंट कंपनी। तो शेयर प्राइस हमें दी हुई है $2 ईच, सो 6,000 शेयर्स इशू होंगे, $2 एक की वैल्यू होगी, सो $12,000 वैल्यू ऑफ शेयर्स होगी। इसमें पार वैल्यू 1 है और प्रीमियम 1 का है, तो इसकी एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट कर देंगे 12,000 से, पार वैल्यू 1 है तो कैपिटल 6,000 से क्रेडिट होगा और एक्सेस वैल्यू 6,000 से प्रीमियम में चली जाएगी। कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 1। ये बात होगी शेयर एक्सचेंज की। अब आ जाते हैं लोन नोट जो इशू किया जा रहा है, जिसकी टर्म्स हैं $100 का लोन नोट इशू किया जाएगा हर 1,000 शेयर्स एक्वायर्ड के जरिए। तो दोबारा हमें जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड 15,000। अच्छा, लोन नोट इशू किया जा रहा है $100 का, $100 का लोन नोट इशू किया जा रहा है फॉर एवरी 1,000 शेयर्स एक्वायर्ड, तो उसको डिवाइड किया और $100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डॉलर वैल्यू आ जाएगी लोन नोट की। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100। टर्म्स को केयरफुली अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वरना कैलकुलेशन में एरर हो सकते हैं। तो कंपनी ने $1,500 वर्थ के लोन नोट इशू किए, इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया गया $1,500 से, और लोन नोट पेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा $1,500 से। ये दूसरी कंसिडरेशन आ गई। तो पहली कंसिडरेशन आई इन्वेस्टमेंट 12,000 की, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो 12,000 की शेयर्स कंसिडरेशन है और 1,500 के लोन नोट है, तो टोटल कंसिडरेशन होगी 13,500 की। तो हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनफ वर्किंग कर ली है। अब हम सीक्वेंस को अगर फॉलो करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा हम उसको फॉलो करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम एनसीआई की वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर बात होगी, और उसके बाद फिर हम अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गुडविल की कैलकुलेशन पे डिस्कशन करेंगे।